गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तोहफा मिलने जा रहा है। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक गुड न्यूज़, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो है एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है आप सभी की डीए को लेकर यहाँ पर एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। क्या कुछ सामने निकल कर आया है आगे जान लीजिएगा इस रिपोर्ट में। लेकिन ये सब जानने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में आइकन को भी ऑल पे कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है। सबसे पहले जो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लगभग यहाँ पर 7,000 के करीब यहाँ पर एम्प्लॉयज हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सबसे पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालें, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तोहफा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें डीए जो है वो कब मिलेगा, यानी डियरेंस अलाउंस जो है वो कब मिलेगा। आप भी जानते हैं कि सरकार इसे महंगाई भत्ता कहती है और महंगाई भत्ता आपको मिलने वाला है, लेकिन आप सब लोग ये खबरें सुन रहे हैं कि आपको कब मिलेगा। इस दिवाली आपकी महंगाई भत्ता जो है वो आप लोगों के खाते में आ जाएगा, यानी डीए आप लोगों के खाते में आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी का तोहफा है ये तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन अभी भी इस पर जो है वो लगातार बहस चल रही है कि जो डीए है उसे 3% बढ़ाया जाए या 4% बढ़ाया जाए। लेकिन ये चीज तय है कि अगर 3% बढ़ता है तो वो हो जाएगा 42 + 3 यानी 45, तो अगर 4% बढ़ता है तो 42 + 4 हो जाएगा 46। यानी अभी आपको बता दें कि डीए आप लोगों को मिलेगा, लेकिन 3% मिलेगा या 4% मिलेगा इस पर अभी भी लगातार जो है विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन ये चीजें तय हो चुकी हैं कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आपको ये तोहफा जो है वो आपके खातों में दे देंगे। आप भी जानते हैं कि इससे आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें भी इजाफा होता है, और डीए की राह जो है हर सरकारी कर्मचारी देख रहा है, क्योंकि डीए साल में दो बार आपको मिलता है। एक आपको मिलता है जनवरी से लेकर जो है जून के महीने तक का, और एक आपको मिलता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। जो पहला डीएनएस अलाउंस है साल का वो आप लोगों को मिल चुका है, जिसकी मैंने बात की कि 38 था, 38 से 4% बढ़ा के जो है 42 कर दिया गया है। लेकिन अब जो साल के दूसरे तिमाही में आपको मिलने वाला था उसे लेकर अभी भी बहस लगातार चल रही है कि वो 3% मिलेगा या 4% मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपको मिलेगा जरूर, लेकिन 3 मिलेगा या 4 मिलेगा इसके लिए लगातार विचार विमर्श हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कर्मचारियों को कहा है कि दिवाली से पहले ये खुशी, यानी आप अपने घर को जो है वो दियों से रोशनी से सजाएं, तो उसके लिए पैसे जो है वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि कितने कितने आपको मिल सकते हैं उसके बारे में जो है आपको बताना बहुत जरूरी है। और आपको लगातार अपडेट्स मिल रही थी, लेकिन आपको ये अपडेट नहीं मिल रही थी कि कितनी सैलरी के साथ जो है वो कितना डीएल लगने वाला है। तो ये चीजें जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने कर्मचारियों कितना, जिसकी तनख्वाह जो है अगर बेसिक तनख्वाह 18,000 है, अगर 3% डीए बढ़ता है तो आपको मैं बता दूं कि आपका डीए जो है वो 7,560 रुपए से बढ़कर 8,100 रुपया हो जाएगा, और यानी इसमें 540 रुपए जो है वो इजाफा हो जाएगा। अगर यही डीए आपका 4% बढ़ता है तो 800, जिस तरह से आपको बता दूं 8,280 रुपए जो है वो बढ़ने के साथ साथ आपके जो है यहां पर 690 रुपए सैलरी में इजाफा हो जाएगा। वहीं आपको ये मैं बता दूं कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर यहां पर देखा जाए तो 56,900 रुपए 45% के हिसाब से बढ़ेंगे, और डीए 23,890 रुपए के हिसाब से 25,605 रुपए बढ़ेंगे, और 46% के हिसाब से 27,554 रुपीज जो है वो बढ़ने वाले हैं। यानी ये बढ़ी हुई राशि जो है वो आप लोगों के खाते में आएगी, ताकि आप लोग अपनी दिवाली जो है वो बहुत अच्छे से मना सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तमाम देश के कर्मचारियों को तोहफा दिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के खाते में डीए आ जाए तो स्टेट के एम्प्लॉय सोचे कि अभी तक हमारे खाते में नहीं आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने जो है वो कह दिया है कि 47 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिन्हें डीए मिलने वाला है, और 68 लाख पेंशनर है। यानी चाहे आप पेंशन लेते हैं चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो डीए दोनों को मिलने वाला है। तो पेंशनर्स के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी खबर है, और दिवाली से पहले पहले जो है वो डीए आप लोगों के खाते में आ जाएगा।